बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल देसी एंड परदेसी पर विदामना। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार केक बना रही हूँ, जो किसी भी ओकेजन पे, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, आप बनाएं। आज हम बटरस्कॉच केक बना रहे हैं, और ये किस तरह से बनेगा इसे देखने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। और जिन लोगों ने मेरे अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोज़ पसंद आएँ तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उन्हें शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ज़बरदस्त और मज़ेदार केक जो है कैसे बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिया है बटर, ये रूम टेम्परेचर पर है, 150 ग्राम मैंने लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैंने ये ली है पाउडर शुगर, ये है 300 ग्राम, इसे मैंने पीस लिया है, ये पाउडर फॉर्म में है। अब मैंने जो बटर और जो शुगर है इसे इतना बीट करना है, आप चाहे तो इसे हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, बीटर नहीं यूज़ करना चाहते, कि ये क्रीमी सा, फ्लफ़ी सा हो जाए, यानी बटर और शुगर जो है वो बिल्कुल कंबाइन हो जाएं और फ्लफ़ी टेक्सचर आ जाए। अब मैं इसके अंदर एग्स डालूंगी, मैं 4 एग्स का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मैं 1 by 1 एग डालूंगी और उसे थोड़ा सा बीट करूंगी, फिर उसके बाद मैं सेकेंड एग डालूंगी, फिर इसके बाद मैं थर्ड, और इसी तरह फोर्थ, यानी 1 by 1 आपने डालें। और ये एग्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, आपने इसको फ़ौरन फ्रिज से निकाल के यूज़ नहीं करना, अपने रूम टेम्परेचर पे। तो ये मैंने सेकेंड एग डाल दिया, पहले मैंने फ़र्स्ट डाला, फिर अब मैंने सेकेंड डाला है, अब मैं इसको फिर थर्ड डाल रही हूँ और थोड़ा सा बीट करेंगे। इसके साथ अब मैं ये फोर्थ एग डाल रही हूँ, तो यानी 4 एग मैंने 1 by 1 डाल दिए और इन्हें मैंने बीट किया है। अब मैं इन एग्स को और जो शुगर और बटर के मिक्सचर को इतना अच्छे से बीट करूँगी, ये बिल्कुल एक फ्लफ़ी सा, जो हमारे पास क्रीमी सा एक टेक्स्चर आ जाएगा, यानी एग्स, शुगर एंड बटर का। तो इससे केक जो है ना बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पास, आप देख सकते हैं क्रीमी टेक्स्चर आ गया। अब मैंने ये मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लॉर, 300 ग्राम लिया है, इसको मैंने एक सिफ्टर पे डाला है। इसके साथ मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून जो है सॉल्ट। इसके साथ बेकिंग सोडा है, वो भी 1/4 टीस्पून है, और इसके साथ बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, वो 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। अब मैं इन सब को मिक्स करूँगी, जो हमारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं, और इसे सीव करूँगी, यानी छान लूँगी। अब जो हमने मिक्सचर बनाया था हमारा बटर, एग्स और शुगर का, और उनको मैं मिक्स करूँगी अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट, जो कि हमारा मैदा है, उसमें बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है और सॉल्ट है। तो अब मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन एक साथ नहीं करूँगी, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके मैं ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डालूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, फिर मैं इसके साथ थोड़े से और ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डालूँगी और उसे मिक्स करूँगी। आपने ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके, तो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स और जो है हमारा लिक्विड का फॉर्म जो है इन्ग्रीडियंट्स, उन दोनों को आपने कंबाइन करना है। अच्छा, अब मैंने इसको मिक्स किया है, तो ये थोड़ी सी जो है ना थिकनेस, थिक है हमारा बैटर जो है ना, वो थोड़ा सा थिक है। तो इसमें इसके साथ ये मैंने बटर स्कॉच एसेंस डाला है, आप चाहे तो वनीला भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है 1/4 कप मिल्क यूज़ करूँगी, बैटर थोड़ा सा थिक है तो इसलिए 1/4 कप मिल्क का इस्तेमाल करूँगी, और अब मैं इसे अच्छे से फिर से थोड़ा सा बीट करूँगी। अब हमारा जो केक स्पंज है, यानी कि जो केक स्पंज का बैटर है, वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैंने एक पैन लिया है 7 inches का, उसे मैंने ग्रीस किया और उसमें मैंने बटर पेपर ऑलरेडी इसके जो है बॉटम में लगा दिया हुआ है। अब मैंने जो मिक्सचर बनाया है वो 2 स्पंज का बनाया था, इसलिए मैं हाफ़ बैटर इसमें डाल रही हूँ, और मैं अब इसको बेक करना रखूँगी, और जो बाकी का हाफ़ है वो बाद में हम बेक करेंगे। तो अब हमने बेक करना है, अगर आप विदाउट अवन कर रहे हैं तब आप 50 मिनट्स के लिए इसे बेक करेंगे प्री हीटेड देगचे में, और अगर आप इसको प्री हीटेड अवन में बेक कर रहे हैं तो आपको 30 to 35 मिनट्स जो है इसको बेक करना होगा। तो चलिए, अब मैं इसको, मैंने ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ देगचा, और मैं इसको प्री हीट देगचे में रख रही हूँ और 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। अब इसका सेकंड स्टेप हम स्टार्ट करेंगे, हमने कैरेमल सॉस बनानी है, हम बटर स्कॉच केक बना रहे हैं, उसके लिए हमें कैरेमल सॉस की भी ज़रूरत है। तो कैरेमल सॉस के लिए मैंने जो है शुगर डाल दी, अब मैं इसको इवनली स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे से, ताकि जो शुगर है हमारी मेल्ट हो और कैरेमलाइज हो, फिर हम फर्दर उसमें जो है बाकी के इन्ग्रीडियंट्स डाल के सॉस रेडी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी शुगर जो है उसने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है,
और लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं हुई है मेल्ट। अब हमने इसको जो है कंटिन्यूसली इसमें जो है स्पैचुला जो है उससे इसको स्टिर करते रहना, हिलाते रहना। अब ये देखिए हमारी शुगर जो है टोटली जो है वो कम्प्लीटली मीन्स के जो है मेल्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये अनसॉल्टेड बटर है, 60 ग्राम मैंने लिया है, क्योंकि जितनी आपने शुगर डाली है उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। मैंने बटर 60 ग्राम लिया है और अब मैं बटर और जो है जो कैरेमलाइज हमारी शुगर है उसे मिक्स कर रही हूँ। अब ये मिक्स हो गई अच्छे से। अब इस स्टेज के अंदर जो है मैं इसमें डालूँगी टेट्रा पैक क्रीम, ये आम टेट्रा पैक क्रीम है, ये भी मैंने 60 जो है ml जो है वो ली है। तो आप इसको जो है टेट्रा पैक क्रीम को डालें और आप अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि हमारा शुगर कैरेमलाइज शुगर और जो हमारा बटर और हमारे जो टेट्रा पैक क्रीम है वो कंबाइन हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी ज़बरदस्ती कैरेमल सॉस जो है वो रेडी हो गई है। अब इस कैरेमल सॉस को मैं जो है थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। हमने इसे केक में यूज़ करना है तो इसे ठंडा होना चाहिए। अब हम जो है थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रलीन बनानी है हमने, जो कि केक के ऊपर हम जो है और केक के अंदर भी मिक्सचर रेडी करेंगे। हमने प्रलीन में शुगर ली है 150 ग्राम और अब मैं इसको भी जो है अच्छे तरीके से मेल्ट होने दूंगी और फिर हम इसको कैरेमलाइज करेंगे। अब देखिए शुगर हमारी जो है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है इस स्टेज पे आप देख सकते हैं, लेकिन हमने इसे पूरी तरह कम्प्लीटली मेल्ट करना है। तो ये देखिए हमारी शुगर कम्प्लीटली मेल्ट हो गई है, कैरेमलाइज हो गई है। अब इसके अंदर मैं 50 ग्राम मैंने क्रश्ड आलमंड लिए हैं, पूरी तरह से मैंने उन्हें पीसा नहीं है, मोटा मोटा सा क्रश किया है। उसके साथ मैं ले रही हूँ बटर, 1 टीस्पून मैंने बटर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट, जस्ट हम 2 से 3 मिनट इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारी प्रलीन जो है वो भी आलमंड प्रलीन हमारी रेडी हो जाएगी। हमने शुगर को कैरेमलाइज किया और हमारी फिर हमने आलमंड डाले। अब ये देखिए हमारी प्रलीन जो है वो रेडी हो गई है। अब मैंने एक बटर पेपर लिया है और उस बटर पेपर के ऊपर मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी। तो अच्छे से आप इसको स्प्रेड करें और स्प्रेड होने के बाद इसको कम्प्लीटली आप ठंडा होने दीजिएगा ताकि जब हम इसको ठंडा होने रखेंगे तो जो शुगर है कैरेमलाइज हुई है वो अच्छे से जो है वो जम जाएगी और फिर हम इसको जो है इसको पीसीस में जो है कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी कम्प्लीटली ठंडी हो गई थी, मैंने इसको छोटे छोटे पीसीस में किया है, लेकिन मैं फर्दर अब इसको और मज़ीद इसको जो है ना क्रश करूँगी। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, अदरक लहसुन जिससे आप उसको कूटते हैं वो ले लें, या आपके पास नहीं है तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे जो जो प्रोलीन आलमंड प्रोलीन इसको आप अच्छे से क्रश कर लें, बहुत बारीक जो है क्रश करें। अब मैंने लिया है विप्ड क्रीम, तो मैंने 300 ml विप्ड क्रीम का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मैंने जो कैरामल सॉस रेडी की थी उसके मैं 2 टीस्पून जो है 2 टीस्पून कैरामल सॉस जो है विप क्रीम में इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे टेस्ट और बहुत मज़े का आएगा। विप क्रीम को अब हम अच्छे से विप करेंगे, तो इससे 3 से 4 मिनट जो है आप जो है विप क्रीम विद कैरामल सॉस जो है उसको विप करें। तो ज़बरदस्ती हमारी विप क्रीम ये देखें रेडी हो गई है, जो स्टिफ पीक्स हैं हमारे बन गए हैं। तो अब हमारी कैरमल सॉस भी रेडी है, प्रोलीन भी रेडी है, विप क्रीम भी हमारी रेडी हो गई है, स्पंज केक भी हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम असेंबल करेंगे केक की, यानी केक की असेंबलिंग अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आप कोई सा भी केक मोड लें, उसके ऊपर थोड़ी सी विप क्रीम नीचे लगा दें ताकि जो है जब हम आप उसके पास स्पंज रखें तो वो उसके पास सेट हो जाए। अब मैंने केक को ऑलरेडी जो है ना 3 पीसेज में जो है ना कट कर लिया है, तो ये उसकी बेस है, उसके ऊपर मैंने अपना ये एक लिया है कंडेंस मिल्क 1 टेबल स्पून और उसमें मैंने मिल्क 1/4 कप डाला था। तो ये आप चाहे तो आप शुगर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप दूध में जो है शुगर भी डाल लें। तो मेरे पास कंडेंस मिल्क था तो मैंने 1 टेबल स्पून डाला, उससे मैं केक स्पंज को अच्छे से मॉइस्ट करूँगी इवनली, इससे टेस्ट और अच्छा जो है ना फ्लेवर अच्छा आएगा। अब मैं जो है एक लेयर मैंने विप क्रीम जो है ना मैंने ले ली है पाइपिंग बैग में, अगर आप चाहें तो वैसे भी जो है आप विप क्रीम जो है केक के ऊपर स्प्रेड करें और उसको फिर जो है स्पैचुला से अच्छे से उसको सेट कर लें। तो विप क्रीम की भी मैंने एक लेयर लगा दी। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने कैरामल सॉस रेडी की थी हमने वो डालने लगी हूँ, 2 टेबल स्पून के करीब आप जो है जो कैरामल सॉस है इस पर स्प्रेड करें और उसको भी फिर जो है स्पैचुला, और ये पहली बात है कि ये ठंडी होनी चाहिए आपकी कैरामल सॉस जो है वो ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो विप क्रीम है उसको ये ख़राब करेगी। तो कैरामल सॉस जो है मैं ये 2 टेबल स्पून के करीब जो इसमें डाल रही हूँ और मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। अब मैंने जो प्रलीन रेडी की थी हमने, और ये देखें उसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है
तो आप भी इसी तरीके से उसका बारीक बारीक सा क्रश करें, और जो प्रलीन है उसको आप केक के ऊपर पूरी तरह से स्प्रेड कर दें, उसमें एक लेयर बना दें। अब मैंने फर्स्ट लेयर के साथ जो किया है वही अब मैं सेकेंड और थर्ड लेयर के साथ करूँगी। अब मैं केक की सेकेंड लेयर रख रही हूँ और उस पर मैं वही सेम प्रोसेस जो है रिपीट करूँगी। पहले मैं स्पंज को मॉइस्ट करूँगी, वही मिल्क और कंडेंस मिल्क वाले, उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है मैंने स्प्रेड की विप क्रीम, फिर मैंने इस पर कैरमल सॉस, प्रलीन सब डाला है। इसके बाद अब मैंने थर्ड स्पंज रखा है, फिर वही सेम रिपीट करूँगी। इसको पहले मॉइस्ट करना है हमने केक स्पंज को, फिर इसके ऊपर हमने विप क्रीम की जो है एक लेयर लगानी है। विप क्रीम की लेयर लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मैंने कैरमल सॉस जो है कैरमल सॉस भी डालनी है और प्रलीन भी, तो साइड्स पे भी मैं लगा रही हूँ। अच्छा, अब आपके पास कोई भी कॉम मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी डिज़ाइन आपको कॉम का मिले तो उससे आप इस तरीके से साइड से इसको करें और अच्छा सा ये देखें एक डिज़ाइन सा बन जाएगा। अब मैंने जैसे आपसे कहा कैरमल हमने सॉस भी इस पर डालनी है, तो कैरमल सॉस आप साइड्स पे लगाएं, थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ जो है वो ड्रिप हो, यानी जैसे वो जो है थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में नीचे आए। इसके फोर अब मेरे पास ये एक स्टार सा है, मैंने इसके ना अंदर जो है डाल दी है कैरमल सॉस, तो एक डिज़ाइन सा थोड़ा सा बनाए। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी डेकोरेशन के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने पाइपिंग बैग में एक फ्लावर नोज़ल लगा के तो उसको मैंने यूँ इस तरीके से उसके साइड्स पे बना रही हूँ। तो डिज़ाइनिंग में आप कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप कोई और भी नोज़ल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से साइड्स पे छोटे छोटे फ्लावर्स जो हैं वो बना रही हूँ। तो अब जो हमने प्रोलीन बनाई थी और उसे क्रश कर लिया था आलमंड प्रोलीन को, तो वो मैं जो है इसमें जो वाइट पार्ट नज़र आ रहा है इसमें मैं सारी आलमंड प्रोलीन डालूँगी। इसका टेस्ट बहुत मज़े का है, ये बहुत ज़बरदस्त है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको कैसा, आपको मज़ा आया कि नहीं। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगता है और ये केक बहुत ज़बरदस्त बना भी है। अच्छा, अब हम इसको डालने के बाद मैंने क्या किया कि वही फ्लावर वाली जो मेरी थी नोज़ल उसी से मैं केक के जो है साइड्स पे थोड़ा सा उसका छोटा छोटा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करना है आपने, तो केक की जो है अब आउटर बाउंड्री जो है ना एक तरह से बना रहे हैं। तो लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा केक जो है बटर स्कॉच केक रेडी है। अब इसे 3 to 4 hours के लिए फ्रिज में रखूँगी, चिल हो जाएगा, तो ये और मज़ा। लीजिए हमारा केक रेडी है और 3 to 4 hours मैंने इसे फ्रिज में रखा, कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ आप देख सकते हैं। इसकी लेयरिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई है, मैं आपको इसका एक पीस जो है वो कट करके दिखाती हूँ। तो आप देखें, ये देखें आपको केक नज़र आ रहा है कट हुआ हुआ, कैसे ज़बरदस्त लेयरिंग आई है उसमें, क्रीम की लेयर और केक्स की लेयर कितनी प्रॉपर परफेक्ट है। और ज़बरदस्त जो स्पंज भी रेडी हुआ है, केक बड़ा ज़बरदस्त बना। अपने स्पेशल ओकेजन को और मज़ीद स्पेशल बनाएं, खुद घर पर केक रेडी करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिले। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी मज़ेदार रेसिपीज़ इंजॉय करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।